लेकिन मैं एक व्यवस्था के बारे में जैसा कि आदेश हुआ है कि कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। और ये जो DOM पर्सन बनाया है ये बहुत अच्छा पहल है। आपने वो सारा सब समझ रहे हैं, मेरा बोलना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, सिर्फ मैं उसी बारे में बताना चाहता हूँ। परमिंदर जी को आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं एक जो इसकी वेबसाइट जो आपके पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रदेशीय राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी हैं इसकी एक वेबसाइट तैयार की जाए। अगर आदेश होगा तो मैं इसकी वेबसाइट खुद तैयार कर दूँगा जिसमें राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारी और इसमें अच्छे कार्यकर्ताओं की एक बायोग्राफी भी डालेंगे और उस बायोग्राफी में आप जो ना अपने बारे में बताएंगे और इतना स्पेस होगा कि आप जितने नेता बैठे हुए हैं सबकी बायोग्राफी भी आ जाएगी। और किसी बारे में कोई समझना चाहता या जैसे आप मीटिंग्स में आते हैं एक दूसरे के बारे में समझना चाहते हैं उस बारे में उसकी बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं, वो मेल कर सकते हैं। मैं प्रबंधक जी से कहूँगा एक मेल आईडी जनरेट करें और उसकी वेबसाइट तैयार करें। दूसरी बात, एक जो कार्यकर्ता लोग आते हैं मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर मंथली मैगजीन नहीं दे सकते हैं तो एनुअली एक मैगजीन हो जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की सूची हो और जो समाज सेवा के लिए अपने कारोबार के द्वारा, अपने काम के द्वारा या जो सहयोग कर सकते हैं उनके बारे में लिखा जाए। और ये कोई एक अपनी कोई अगर एड्स के माध्यम से या किसी माध्यम से उसका वो खर्च भी उसमें आ जाएगा, निकल आएगा, उसमें किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये दो तीन पॉइंट हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा लगे हैं तो उस पर चिंतन कर सकते हैं। एक जो ये संस्था है ये रजिस्टर्ड संस्था हो, उसका अकाउंट क्रिएट हो, जो स्वेच्छा सहयोग करना चाहे उसका उसमें सहयोग करे जिससे कि कभी भी ऐसे खर्चे आ जाते हैं नेशनल लेवल के तो प्रबंधक जी को बहुत भारी पड़ता है, काफ़ी खर्च करना पड़ता है। जो दो चार साथी हैं जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे ही विनम्र निवेदन करते हैं कि भाई जो सहयोग हो सकता करें, तो गिने चुने लोग उन्हें कोई प्रेशर पड़ता होगा, कई लोग स्वेच्छा से करना चाहते हैं वहाँ अप्रोच नहीं पहुँच पाती है तो वो भी किया जा सकता है। यानी संस्था को रजिस्टर करके उसी रजिस्ट्रेशन से अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लें जहाँ आपको स्वेच्छा जो सहयोग करना चाहे वो हो जाता है उसमें कोई। तो मैंने भी कही सकता है कि मैं PCSL का महासचिव रहा हूँ, अभी भी हूँ और लोधी समाज से हूँ। और ये मैं थोड़ा अपने बारे में सिर्फ यही कह पाऊँ, VGI ग्रुप, वेदांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारा वेदांता IAS अकेडमी मुखर्जी में और रोनी में है, EFT अकेडमी ऑफ इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, भगवान झूलेलाल साइंस कॉलेज, GND कॉलेज, कई संस्थाएं हैं जो एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और समाज से भी जुड़ा रहता हूँ। और जैसा आदेश होगा डॉक्टर साहब की मुझे दो शब्दों में एक बात अच्छी लगी जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और आपसे भी इसलिए शेयर करता हूँ कि जो नेता बैठे हुए हैं, जो सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, यानी आप अपना काम करिए, आप जहाँ जैसे हैं जो संगठन चला रहे हैं आप चलाइए। यानी विचारधारा से तो हम एटलीस्ट जुड़ सकते हैं, राजनीति से नहीं कोई बात नहीं है, राजनीति में अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं किसी के नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय विचारधारा है जिससे देश का भला हो सकता है, जो आप लोग जो है कर रहे हो करिए, लेकिन विचारधारा से तो जुड़ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ ये जितने लोग बैठे हुए हैं विचारधारा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने देश के लिए सोचा, सबको एकजुट करने का प्रयास किया और सारे साथ में हैं। हमारे लगभग हिंदुस्तान में 500 संगठन चल रहे हैं लोधी राजपूतों के, अवंतीबाई फाउंडेशन, ABCL फाउंडेशन, PCCL, हजारों चल रहे हैं। और मैं SP प्रोग्राम में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ सारे लोग एकदम जैसे ये सारी चीज़ देखी, यानी OBC की जो विचारधारा है अलग अलग मांग कर रहे हैं आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ST वाले मांग करिए करिए, मुस्लिम अपनी मांग कर रहे हैं, मनोटी वाले मांग करिए करिए, लेकिन जो सारे लोग अगर एकजुट होकर के अगर इस मंच के तहत आगे करते हैं, एक दूसरे का अगर इस तरह के शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, जिस तरह नहीं होता आपने देखा होगा कि दो देश मिलकर के अपना सैन्य अभ्यास करते हैं, संयुक्त अभ्यास, एक ही संयुक्त अभ्यास करने का मौका भी आपको मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा, एक दूसरे के बारे में जानने समझने के बारे में मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है।
मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी, आगे अपने उसी पॉइंट पर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी इस तरह से घोषित हो जाए कि आपका क्या वेबसाइट बनाने का काम हो, सोशल मीडिया का दायित्व, तो संगठन को आगे प्रदेश लेवल बढ़ाने का दायित्व ऐसे बना लिए जाए, तो मुझे लगता बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। समय कम है इसलिए बोल कर पा रहा हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभार। आपको धन्यवाद।